अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नैन और मैं हूँ भाभी और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नैन भाभी। तो आज हमारे किचन में बन रहा है गोभी के पॉपकॉर्न, है ना जी, जिसके लिए हमने ये एक छोटे साइज की गोभी ली थी। अच्छा, जिसके हमने फूल सारे निकाल लिए। अच्छा, फूल गोभी था या बंद गोभी था? फूल गोभी। अच्छा अच्छा, यहाँ और इसको हमने जो है दो तीन बॉइल करके निकाल लिया इसको पानी में, ठीक है। और यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये हमने चाय का एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये चाय का एक चम्मच हमने सोया सॉस लिया है। ये हरी मिर्चें पीसी हुई ली है हमने एक चम्मच चाय का, ठीक है। और ये खाने का एक चम्मच हमने कुटी मिर्चें ली हैं और ये आधा चम्मच हमने चाय का जो है काली मिर्च का पाउडर लिया है। ये एक चम्मच खाने का हमने नमक लिया है और ये आधा कप हमने जो है मैदा लिया है, आधा कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और आधा कप हमने दही लिए और ये जो है ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम इसमें जो है अदरक लहसुन डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ठीक है, और नमक हम आधा डालेंगे, आधा हम अभी दूसरे स्टेप में डालेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ओके, और ये हम जो है कुटी मिर्ची सारी डाल देंगे और दो चम्मच हम मैदा ऐड करेंगे इसमें। अच्छा हाँ, और दो चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें, ठीक है भाभी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे हम। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, बस मिला लेना है भाभी। हाँ, मिला लेना बस। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह दूसरे बर्तन में। ये देखिए हमने सब निकाल लिए हैं, अभी हम इसको एक साइड पे रखेंगे। ये देखिए ये वही मसाला है जिसमें हमने अभी कोटिंग की थी गोभियों की। अब हम इसमें जो है ये हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और ये जो हमने मैदा लिया था वो डालेंगे हम इसमें, कॉर्नफ्लावर डालेंगे और दही भी डाल देंगे और जो नमक आधा हमने रोका था वो डाल देंगे। अब इसका हम थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें अब हम जो है इस तरह एक एक करके डिप करेंगे। ये देखें इस तरह एक एक करके डिप कर लेंगे हम, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखें इस तरह हम जो है कोटिंग करेंगे इसकी, ठीक और है। ये जो बैक क्रम्स है हम इसमें डालेंगे इसको एक एक करके, सब अच्छे से कोटिंग करके बैक क्रम्स लगा लेंगे हम। देखें इस तरह डाल के हम इस तरह कोटिंग कर देंगे इसकी, यानी हमने इसको ब्रेड क्रम्स को अच्छे से कोट कर देना है। अच्छे से कोट कर लेना, वैसे ही हो जाएगा क्योंकि भाभी उसका बैटर ऐसा है, ठीक है। इस तरह कोटिंग कर लेंगे हम इसकी। ये देखिए हमने कोटिंग कर ली है, देखें इस तरह कोटिंग होगी इसकी, काफी अच्छी लग रही है। इसी तरह हम बाकी की भी कर लेंगे। ये देखिए हमने सब पे कोटिंग कर दी है और तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम एक एक करके इसमें डालेंगे। बहुत एहतियात से डालिएगा, छींटे वगैरह ना आए आपके हाथों पे। देखें ये आप हो गए, ये थोड़े बहुत अभी बिल्कुल और चिकन की तरह नगेट्स, चिकन नगेट्स की तरह लग रहे हैं। चिकन नगेट्स क्या बोल रहे वाकई चिकन नगेट्स की तरह लग रहे हैं भाभी, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मजे का लग रहा है। अब इसको जो है हरी चटनी और केचप के साथ, केचप के साथ तो वो बहुत ही मजे की लगेगी। रमजान आने ही वाले हैं, बिल्कुल टाइम ही नहीं है, तो उसमें आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वही रेसिपीज खा के हम लोग थक गए हैं, पकोड़े आलू के पकोड़े रह रहे कि वही बनती है भाभी आलू के पकोड़े। अच्छा, लेकिन ऑनेस्टली आलू के पकोड़े और बेसन के पकोड़ों से ही होती है। जो बात है लेकिन हमें कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए ना। बिल्कुल, ये देखिए ये हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे और छान लेंगे, और छान लेंगे अच्छे से। इसी तरह सारे तल लें भाभी, इसी तरह हम सारे तल लेंगे। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए तैयार है और ये आपको नजर आ रहा हो कि बहुत कम हो गए क्योंकि बनते बनते जो पहले स्टेप हम लोगों ने तला था ना वो खा लिए गए थे। जी जी जी, और ये दूसरे में जो बचे थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मजे के बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। ये देखिए नगेट्स जैसे लग रहे हैं। मिलते हैं क्या बोलूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।